वहीं गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह ने जीत दर्ज की है। बीजेपी के प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह ने 17,562 वोटों से जीत दर्ज की है। उन्होंने सपा प्रत्याशी करुण कान मौर्य को हराया है। देवेंद्र प्रताप सिंह ने जीत के बाद कहा कि सपा की हवा निकल चुकी है, 2024 में हमने सभी 80 सीटों पर कमल खिलाने की तैयारी कर ली है। जनता ने बता दिया है कि जो भी सनातन धर्म का अनादर करेगा जनता उसे सिखा देगी। पहली बार इस सीट पर 50+1 के एपे से मैंने रिकॉर्ड जीत दर्ज कराया है। ये जीत ऐतिहासिक है। मुझे अपने दोस्तों और सहयोगियों पर गर्व है। ये जीत हमारे दोस्तों हमारे सहयोगियों के सार और पराक्रम की जीत है। इस जनादेश से 2023 में उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस जनादेश का सीधा और साफ संदेश है, उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी के संकल्पों को पूरी क्षमता के साथ पूरी शक्ति के साथ मुझे पूरा करने का उत्तरदायित्व जनादेश ने दिया है। मैं आप सभी मीडिया बंधुओं को अपने सहयोगियों को अपने पार्टी वालों को बधाई और साधुवाद देता हूं जिन्होंने कड़ा परिश्रम करके इस चुनाव को ऐतिहासिक बनाया है। ठीक ऐसे ही जिस प्रकार से भारतीय सेना पर देश की सेना का जवान मातृभूमि की हिफाजत करता है उसी संकल्प शक्ति के साथ उसी भावना के साथ मैं उत्तर प्रदेश के पढ़े लिखे युवाओं के हितों की हिफाजत करूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत